आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा जो जुड़ी होंगी गेमिंग से। तो यार, इससे आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ गेमिंग फैक्ट की। और आज की वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे कमाल के गेम फैक्ट बताने वाला हूँ जिसे सुनकर यार आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और शायद इसीलिए इस सीरीज़ का नाम है माइंड ब्लोइंग फैक्ट ऑफ गेम। तो यार चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यार देखते हैं कि लिस्ट में जो पहला फैक्ट है किस गेम का है और किसके ऊपर है। तो यार मेरा नाम है दिनेश और आप लोग देख रहे हो सेंटॉक, जिसमें होती है सिर्फ गेमिंग की बात। और अगर आपको भी गेमिंग में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं फैक्ट नंबर 1 आखिर है क्या। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे रेयर गेम कौन सा है? तो मैं बता दूँ, उस गेम का नाम है गामा अटैक और ये गेम दुनिया में सिर्फ एक है। तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा रेयर है। पर इसकी कीमत है $5,00,000। और जिसे हम अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये तो 37,00,000 से भी ज़्यादा की ये गेम है। और बता दूँ, इसे ओन करने वाले आदमी का नाम एंथनी डोनाल्डो है। तो यार ये सोच सकते हो कि यार ये गेम कैसा होगा। फैक्ट नंबर 2, आप सभी को पैक मैन गेम के बारे में पता होगा, पर क्या आपको ये पता है कि पैक मैन गेम को इसके डेवलपरों द्वारा इतना ज़्यादा हार्ड बनाया गया था कि यार उन्होंने इसके सिर्फ 255 लेवल तक ही बनाए। और उनको ये लगता था कि 255 लेवल तक पहुंचना नामुमकिन है, इसीलिए उन्होंने इस गेम के 256 लेवल तक बनाए ही नहीं। पर यार एक आदमी ने इसे 256 लेवल तक खेल लिया और इसका जो 256 लेवल का जो गेम है ना, आप इसे स्क्रीन पर देख ही सकते हो। एक तरफ गेम चल रही है और दूसरी तरफ बहुत सारे कोड हैं। क्यों है ना कमाल का। फैक्ट नंबर 3, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि RDR2 अभी तक का सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक गेम है तो इसमें कोई शक की बात है नहीं। और इसे रियलिस्टिक बनाते हैं इसके जो गेम में एनिमेशन है वो। और आप सबको पता है कि ऐसी एनिमेशन बनाने के लिए मोशन कैप्चर का उपयोग किया जाता है। तो यार क्या आपको ये पता है कि RDR2 के मोशन कैप्चर करने के लिए 2000 दिन का वक्त लगा। आप सोच सकते हो कि यार एक गेम को बनने के लिए कितना ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, कि एक गेम को बनने के लिए कितना ज़्यादा इन लोगों को काम करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है सबसे लंबे समय तक चलने वाली गेम की फ्रेंचाइज आखिर है कौन सी? तो मैं बता दूँ, वो गेम है द ओरिजिन ट्रायल गेम की। और ये गेम की जो फ्रेंचाइज है वो 49 सालों से चलती आ रही है। तो आप सोच सकते हो कि यार ये गेम कितना ही ज़्यादा पुराना है, या कह सकते हैं कि इसकी फ्रेंचाइज पुरानी है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपने कभी दुनिया के सबसे महंगे कंसोल को देखा है? तो मैं बता दूँ, दुनिया का सबसे महंगा कंसोल है निंटेंडो वी सुप्रीम। और यार ये इतना महंगा इसलिए है क्योंकि इसमें 22 कैरेट गोल्ड और 72 डायमंड्स लगे हुए हैं। और यार इसकी कीमत है $4,00,000 से भी ज़्यादा है। और जिसे हम अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये 32,00,000 से भी ज़्यादा हो जाएगी। और यार सिर्फ निंटेंडो सुप्रीम ही नहीं, एक्सबॉक्स 1, PlayStation 3 और PlayStation 4 को भी गोल्ड में कन्वर्ट किया गया है। आप स्क्रीन में देख ही सकते हो। फैक्ट नंबर 6, GTA के गेम्स में कुछ चीज़ कॉमन हो या ना हो, पर एक बात बता दूं कि GTA के सीरीज़ में हार्ड मिशन कॉमन ज़रूर होते हैं। और यार अगर GTA के सबसे ज़्यादा हार्ड मिशन की हम बात की जाए तो उसमें से सबसे पहले नंबर में स्काउटिंग द पोस्ट, दूसरे नंबर में रोबिंग अंकल स्कैम, तीसरे में डोमिनेशन मैन जिसने तैयार आज तक हमारा दिमाग खराब करके रखा है, और चौथे में है द टेराथॉन्स, और पांचवे नंबर में है रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रैक। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है ड्यूक नुकेम फॉरएवर नाम का एक गेम है और इस गेम को बनने के लिए 15 साल का वक्त लगा। तो आप सोच सकते हो कि यार इस गेम के जो फैन होंगे और कितना तड़प गए होंगे कि यार 15 साल का वक्त किसी गेम को बनने में, ये बहुत ही ज़्यादा वक्त है। तो यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और यार चैनल पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करना, और अगर ना आए तो यार कमेंट करके बता देना कि आखिर आपको क्या चीज़ बुरी लगी।